ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज अपन खेलने वाले आइसक्रीम गेम खेलने वाले हैं। तो गाइस अपन खोलने वाले हैं ये विंडो और देखने वाले हैं। ओ भाई गाइस, कुछ यहाँ से एक मोटा सा लड़का मेरे को दिख रहा है, शैतान सा लड़का, और जो आइसक्रीम अंकल के पास जा रहा है। वो लग रहा है अंकल उसको बोल रहे हैं, बेटा मेरे से आइसक्रीम लो, मैं बहुत अच्छी गाइस सीरियसली अंकल ऐसे बोल रहे आइसक्रीम। ओ भाई अंकल ने आइसक्रीम वाले मतलब अपने छोटे शैतान भाई को किडनैप कर लिया, और लगता है अंकल ने अपन को भी देख लिया है गाइस, अपन को देख लिया। तो गाइस अपन इस बंदे को करेंगे रेस्क्यू, यानी अपन को गाइस इस बंदे को ना इस बच्चे को छुड़ाना, क्योंकि शैतान है बट अपना ही है, तो अपन को इसको जल्दी से छुड़ाना है। तो अपन को रोप ढूंढनी होगी, रोप यानी अपन को ढूंढनी होगी रस्सी, रोप यानी रस्सी। रस्सी ढूंढते और जल्दी से लटक के नीचे जाते हैं और अंकल को सबक सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उठाया अपने शैतान बच्चे को, क्योंकि गाइस अपनी गली का ये कि शैतान है, अगर उसको अंकल ले गए तो गाइस सीरियसली अपनी गली का नाम बदनाम हो जाए। और ये मिल चुकी है रोप मेरे को, और मैं यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ, और मैं कुछ लेता हूँ मेरा एक वेपन, जो इस वेपन को मेरे को क्या बोलते हैं, इस वेपन को फ्लाइंग लाइटिंग से मैं अंकल को मारूंगा। जाते ही अंकल की खोपड़ी फोड़ डालूंगा, पहले फुर्सत में अंकल को बचने वाला नहीं, क्योंकि गाइस उसने अपने कॉलोनी के बच्चे को उठा के सीरियसली बड़ी ही गलती कर दी, क्योंकि गाइस इतने बच्चे को उठाना भी बहुत बेकार। अंकल आ जाओ, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ डालूंगा। अंकल तो बेहोश हो गए एक पत्थर खाते। गाइस अभी ज़्यादा नहीं ये पड़ा अंकल का बटुआ, जल्दी से इसको उठाते और गाइस वैन के अंदर, क्योंकि गाइस अंकल की वैन के अंदर जाके बैठ जाते हैं। जल्दी से वैन का दरवाज़ा बंद करेंगे और अपन चलने वाले हैं सबसे पहले कॉफिटेरिया में। कॉफिटेरिया किस साइड जाने वाला है और देखेंगे वह क्या मिलता है। अपन चलते हैं कॉफिटेरिया, चलते हैं फिर बाद में बात करेंगे कॉफिटेरिया। तो अपना नेक्स्ट स्टॉप आ चुका है कॉफिटेरिया, अपन आ चुके हैं और गाइस अंकल छूट चुके हैं वहीं। अपन लाए अंकल की वैन में बैठ के गाइस, क्योंकि अंकल तो वहीं हैं, अंकल आइसक्रीम बेच रहे हैं, बट अपन आ चुके हैं कॉफिटेरिया और ये रहा वो बच्चा। अपन पहले फटाक से कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे इस बच्चे को अपन निकाल सके। ओ भाई ये अंकल यहाँ कैसे आ गए गाइस, सीरियसली ये अंकल यहाँ कैसे पहुँच गए, आपको कुछ पता है क्या यार ये अंकल कैसे आए। लगता है गाइस कुछ नहीं आ गए अंकल, तो ठीक है इसको थोड़ा परेशान करते हैं, इसको मजा सिखा दे। आ जाओ अंकल आ जाओ, ये बड़ा गाइस बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो इसका अपन को ऐसा अपन भाग के चल के जल्दी से गेट खोलते हैं और अपन इसके जितने भी, अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ इसके घर में जितने डस्टबिन है ना इस कॉफिटेरिया में सबको चेक कर डालेंगे। ये रहा सबसे नीचे यहीं वाला चेक करते हैं, इसके अंदर कुछ क्योंकि क्लू मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्लू मिलेंगे, उससे अपन को ना इस बच्चे को छुड़ाए, क्योंकि अपने शैतान बच्चा नाम है तो शैतान, बट छुड़ाना तो अपन को पड़ेगा, अपन को कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा। अपन इस गेट के अंदर जाके देखते हैं और अपन को कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ भाई क्या ये ऑयल मेरे को याद आ गई, ऑयल वहाँ पे लगेगा, ऑयल एक जगह लगेगा। तो आ गए अंकल, आ गए अंकल को थोड़ा सा घुमाते हैं, फिर यहाँ पे पहले कैसे अपन अपनी वैन में ऑयल डाल ऑयल को रख के आ जाते हैं, फिर अंकल से बाद में बात करेंगे। यहाँ से अपन कूदते हैं और जल्दी वैन की साइड वैन के अंदर जाके इसको रख के आ रहे हैं, और फिर वापस से अपन चेक करेंगे कि क्या क्या है मतलब वहाँ पे कॉफिटेरिया में क्या क्या पटक रखा अंकल ने। अबे अंकल यार थोड़ा तो टाइम रुका करो यार कॉफिटेरिया में, इतना जल्दी भाई क्या प्रॉब्लम क्या अंकल आपकी, सीरियसली गाइस प्रॉब्लम क्या। कुछ नहीं अंकल की प्रॉब्लम कुछ नहीं, अपन जल्दी से किधर गए अंकल उधर गए, अपन चलते हैं वापस और डस्टबिन चेक करते हैं। पहले ये वाला डस्टबिन चेक करते हैं, कुछ तो मिलेगा अपन को, क्लू मिलेगा, चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। यार भाई ये बड़ा स्लो होता है यार, इतने स्लो में तो अंकल मेरे को पकड़ लेंगे यार। कहाँ पे ये वाला डस्टबिन चेक करता हूँ मैं, ये वाला हाँ अंकल, बट गाइस अंकल नहीं आने चाहिए। और गाइस जो ये बैकग्राउंड में आवाज़ आती है अंकल भाई, उससे सीरियसली बहुत डर लगे, ऐसे अंकल डराने। ओ भाई मिल गया मेरे को कोड मिल चुका और अंकल आ चुका है, बट मैं कोड लगाऊंगा, कैश काउंटर पे कोड लगा दिया है मैंने, और अभी मैं अंकल को थोड़ा घुमा देता हूँ और मैं विंडो से बाहर निकल जाऊँ, ताकि गाइस थोड़ा सा अपन को ना जो भी कैश काउंटर से अपन को कुछ कॉइन पैसे मिलेंगे ना उसको निकाल के लेके भाग निकलेंगे, क्योंकि अंकल यहाँ के हैं बॉडीगार्ड हैं अंकल। देखो किधर गए अंकल आ जाओ फास्टली आ गए अंकल आ गए। अपन चलते हैं कैश काउंटर पे, वहाँ से जो भी पैसा मिलता है अपन उसको जल्दी से निकाल लेते हैं। ये रहा पैसा तो बहुत है, बट अपन को अभी चाहिए कॉइन लेके अपन गाइस यहीं छुप जाते हैं, क्योंकि अंकल आ चुके हैं, क्योंकि मेरे को ना उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग सी लग जाती है भाई। मैंने एक ही कॉइन लिया अंकल का यार, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं चुराए, फिर भी अंकल देखो आगे अंकल आ चुके हैं। अभी 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 अपन को हिलना नहीं है, क्योंकि गाइस सीरियसली अंकल अगर एक बार भी उन्होंने पता चल गया ना अपन ही है, तो अंकल सीरियसली अपन को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। देखो अंकल कैसे धीरे धीरे जा रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, बट रुको थोड़ा सा इनको जाने दो, आगे तक जाने दो, फिर थोड़ा निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से।
और अगला अगला जाएंगे, कहाँ जाएंगे गाइस? अपन गाइस आना प्ले ग्राउंड में जाएंगे, प्ले ग्राउंड। बट यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए गाइस, मेरे को लग रहा है। हाँ अभी 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 निकल जाते हैं, और अंकल कुछ नहीं कर सकते, अपन जल्दी से जाके वैन में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। ये गए अपन वैन में, ये गया, वेट बंद किया। ओ भाई क्या एनिमी, क्या पास है, मतलब अंकल इधर ही, इधर ही। अरे इधर अंकल यार, इतना टाइम भाई। गाइस सीरियसली मेरे को लगता है अंकल को थोड़ा ना घुमाना पड़ेगा, घुमाना थोड़ा सा गाइस, अंकल को घुमा देता हूँ, ताकि अंकल है ना थोड़ा सा अंकल का ध्यान भटका निकले। मैं अंकल को इधर से उधर भटका, अंदर की साइड ले जाता हूँ अंकल को, और मैं गाइस अंकल को अंदर छोड़ के आ चुका हूँ। और ये रहा वो बच्चा, तो बच्चे का क्या करना है, अपन चलते हैं यहाँ पे प्ले ग्राउंड की साइड, क्योंकि अपन को प्ले ग्राउंड ही चलना है। प्ले ग्राउंड से अपन को जो भी ऑयल है ना, वहाँ ऑयल का करेंगे। पहले पहले गाइस अपन खरीदने वाले हैं एक वेपन, जो अपन को कॉइन मिला ना उससे एक वेपन खरीदेंगे, बढ़िया सा वेपन। जो यहाँ पे एक मशीन लग रही है, यहाँ से एक वेपन खरीदेंगे और उससे ही अंकल को अपन टपका डालेंगे। और ये बीच वाली मशीन है, इसमें कॉइन लगाएंगे और एक वेपन लेने वाले। कहाँ लगाऊँ कॉइन, कहाँ, यहाँ नहीं, ये तो बटन है, ये बटन है, ये नहीं है, ये ये, अरे कहाँ गया, हाँ ये कॉइन स्लॉट डाल दिया मैंने अभी, मेरा जल्दी से निकला। अबे अब दे दे भाई गन कॉइन इनटू द प्राइज मशीन, गया भाई क्या हो, यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है गाइस बटन दबा दिया मैंने। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव एक्टिवेट प्राइज मशीन। ओहो भाई अपन एक्टिवेट कर दिया, और अपन को मिल भी चुका कुछ लगता है, क्या दिया क्या दिया। ओहो भाई गाइस एक गन दिया अपन में, उसमें गाइस 10 KMO। ठीक है गाइस बढ़िया 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 बढ़िया। अभी जो भी गाइस अपन ऑयल लाए ना, ऑयल मतलब ऑयल लाए, उसको जाके गाइस वहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ क्योंकि अपन को प्ले ग्राउंड में जाने के लिए ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से गाइस वो ब्लॉक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई गया नहीं ना अंदर। प्ले ग्राउंड बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी वजह से। तो अपन जल्दी जाते हैं, अंकल नहीं आ रहे यहाँ से, जल्दी से अंदर की साइड जाके। अरे भाई गाइस मैं तो वो लाए नहीं, कैन तो लाइन में जिसमें मैं पेट्रोल या गैस लेके जाऊंगा अंदर की साइड से। यार गाइस मेरे को पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे कुछ और काम। थोड़ा सा आप खोल दिया, इसको यहीं फेंकते हैं। और गाइस अपन जाने वाले कैन लेने, जहाँ से अपन पेट्रोल लेंगे ना, वो लेंगे किस में, अपन तो कुछ लाए नहीं अपने साथ। तो गाइस मेरे को पता है वो कहाँ मिलेगा, मेरे को पता है, मेरे को मैप का या मैप में पता है कि वो कहाँ है। अपन जल्दी से चलते हैं अंकल की गाड़ी में। देखो गाइस आइसक्रीम है, आइसक्रीम हो भाई सीरियसली। ये रहा, चलो गेट बंद हो जाओ जल्दी से। ये रहा वो बच्चा जिसको अपन को छुड़ाना है, मोटू सा बच्चा। बट गाइस क्योंकि अपना फ्रेंड है, तो फ्रेंड के अपनी अपना ही है, स्टॉल पे चलते गाइस। स्टॉल पे मेरे को पता है, मैंने स्टॉल पे ही देखी थी उस कैन को, और स्टॉल पे जाके मैं उस कैन को लेके आने वाला हूँ जल्दी से। फिर इसके बाद यहाँ से गाइस अपन पेट्रोल भर के, और फिर गाइस जो भी अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपन करने वाले। तो गाइस अपन आ चुके हैं स्टॉल पे, तो स्टॉल पे आ चुके हैं, अभी रुकते हैं, अब चलते हैं। ये रहा वो बच्चा, जल्दी से गेट खोलना खा पे। ओहो अंकल ये रहे गाइस, चुप, धीरे धीरे धीरे। अंकल क्या कर रहा है, लाइक गाइस लगता है अंकल है ना सोने जा रहे हैं, सोने। अबे अंकल को सोने दो, वो कैन भी सामने पड़ी, अपन कैन ले, कैन लेके ना, अपना काम है सिर्फ कैन उठाना, अंकल को सोने दो, अंकल को परेशान नहीं करने वाले। ये रही अपनी कैन, इसको जल्दी से उठा लेता हूँ मैं चुपचाप, क्योंकि अंकल को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ अभी यहाँ से निकल लेते हैं, निकल लेते हैं, अंकल सो रहे हैं, ये बढ़िया अपने लिए, बढ़िया हो गया गाइस, क्योंकि अंकल सो रहे हैं ना, ये सही है। अभी अपन वापस चलने वाले प्ले ग्राउंड में, और वहाँ से निकालने वाले गैस। तो गाइस अपन वापस आ गए प्ले ग्राउंड में, और वहाँ से जो अपन ने गाइस वो गेट खोला ना, उससे अपन लेंगे गैस, बढ़िया सी गैस लेंगे, फिर अपन चलाने वाले गाड़ी। तो गाइस अपन वापस आ चुके हैं वहीं प्ले ग्राउंड में, और अपन लेंगे वहाँ से पेट्रोल, क्योंकि अपनी गाड़ी में हो चुका है पेट्रोल ख़त्म। जो नहीं गाइस यहाँ नहीं, अपनी गाड़ी अलग जगह पार्क की अपन, तो जल्दी से मैं जाता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अंकल आ गए ना, अंकल मेरे को पकड़ देंगे इसके अंदर, तो भाई मैं भाग नहीं पाऊंगा अंकल से बच के, ऐसे तो मैं अंकल को चकमा। अबे ये कैसे लॉक हो गए, लगता है ऐसे छोटा सा लॉक हो गया, मैं देखता हूँ, उसको लॉक नहीं होना चाहिए, बट ये हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन ओपन हो गए, हो गए हो गया। चलो गाइस ठीक है, अपन गाइस अपन ने छोटा सा स्केप किया अभी प्ले ग्राउंड को गाइस, बड़ा ही बड़ा ये अपन बाद में स्केप करेंगे। भाई ये यार इतने धीरे क्यों बढ़ते, अंकल आ गए ना सीरियसली, वो मेरे को मार डालेंगे, वो मेरे को बर्फ़ जमा डालेंगे उस बच्चे की तरह। मेरे को मोटू को तो मैं बचा रहा हूँ, मेरे को कौन बचाएगा अभी। तो गाइस अपन ने कर लिया है पेट्रोल तक का काम पूरा, तो गाइस अपन करेंगे अगला गाइस, जो अपना अगला स्केप है ना अपन करने वाले गाइस अगले वीडियो में स्केप, क्योंकि गाइस ये वीडियो हो चुका काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपन है ना पेट्रोल के आगे से करने वाले, तो ठीक है गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जरूर करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करो।